दिल्ली में मंगलवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 231 नए केस सामने आए हैं और 10 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। कल की तुलना में एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सोमवार को 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए थे। लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर 0.32% रही। लगातार दूसरे दिन सक्रिय मरीजों की दर 0.36% रही। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन रिकवरी दर 97.93% रही। दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 2334 हो गई है और होम आइसोलेशन में 1027 मरीज हैं। दिल्ली में मंगलवार को समाप्त 24 घंटों में 10 मरीजों की मौत के साथ मौतों का कुल आंकड़ा 10,764 हो गया है। ध्यान रहे, यह केवल दिल्ली का आंकड़ा है। इन 24 घंटों में 231 केस सामने आए हैं। कुल आंकड़े 6,32,821 हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 24 घंटों में 222 मरीज ठीक हुए, इसका कुल आंकड़ा 6,32,821 हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 24 घंटों में 222 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ हुए मरीज का कुल आंकड़ा 6,19,723 हो गया है। उक्त 24 घंटों में 72,441 टेस्ट हुए। टेस्ट का कुल आंकड़ा 99,96,000, जिसमें RT-PCR टेस्ट 37,770 हैं और एंटीजन 34,671 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना डेथ रेट 1.7% है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 2,334 है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।